हेलो, थोड़ा जूम इन हो गया, जूम आउट कर देता हूँ। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज मीडिया इंटरव्यूज एंड स्टफ हैं फॉर द लायन किंग। अब आज संजय सर और श्रेयस तलपड़े हैं टिमोन एंड पुम्बा। अब जा रहे हैं वहीं पे साउंड स्टूडियो में, वहाँ पे सारे प्रोसेसेस होंगे। So this is how the process works before a film release. तो मैं क्यों बकबक किए जा रहा हूँ, चलो let's go। हाँ तो भाई, as usual वही है हमारा मेट्रो, उसी को यूज़ करके जाना है क्योंकि वो सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रैवल है। वेल एज यूजुअल उधर कुछ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने हुआ नहीं, वो जब मीडिया में आएगा तब देख लो। मैंने बस लास्ट शॉट एक लिया जब सब निकल रहे थे वहाँ से, बस उसके अलावा कुछ शॉट लेने नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कौन मिला यहाँ? अब यहाँ से थोड़ा पवई जाने का प्लान बना रहा हूँ। ये लाइन देखो, लाइन शेर छुपा हुआ है मेट्रो में। हाँ तो गाइस, मैंने मेट्रो छोड़ दिया और फिर ऑटो पकड़ लिया क्योंकि पवई तक तो मेट्रो जाती नहीं है। तो बेसिकली साकी नाका स्टेशन में उतर के ऑटो कर लिया। सारे लाइंस बन जाएंगे तो फिर पवई तक भी एक्सेस हो जाएगा मेट्रो का, फ़िलहाल तो नहीं है। लो जी, पवई का एरिया आ गया। सी द लेक इज़ बिहाइंड द ट्रीज, जो ऐसे नज़र नहीं आएगा। रुको ट्राई करता हूँ। देर यू गो, पवई लेक, बबुंग बबुंग। इंडिया का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मस्त लगता है यार लेक के ऊपर फ्लैग। सीरियसली ऐसे दो एक मिनट, दो तुम लोग फ्लैग देखो। वैसे मेरा पवई उतरने का प्लान कैंसिल हो गया, वापस घर जाना पड़ेगा। 2000 years later. Hello guys, ये अपने माइक्रोवेव रखने के लिए स्टैंड मंगवाया मैंने, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, हमारे किचन टेबल में सब बॉर्डर है, माइक्रोवेव के नीचे जाता है तो उसका दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो इसके लिए स्टैंड मंगवाया। अब ये सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं, इसको असेंबल भी करना पड़ेगा। चलिए पहले बॉक्स खोलते तो है इसका। सो हियर वी गो, मैजिक। ये एक पार्ट, ये सारे नट एंड बोल्ट एंड स्क्रूज, ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस। हम काम शुरू करते हैं देसी आइकिया पे। तो एज यू कैन सी, ये ऐसा कुछ असेंबल होता है, माइक्रोवेव किचन स्टैंड विथ टू मेटल शेल्फ्स। ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी सिंपल होना चाहिए। तो चलो, अब समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको आड़ा रखा हुआ मैंने। अब ये साइड का ऐसे ही पैर उनको भी जोड़ने हैं, उसके बाद ये स्टैंड खड़ा होगा। ये साइड को ऐसे स्क्रू डाल के यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सो लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू। रेडी हो गया और मैं इधर बैठा हुआ हूँ, लेबरर मी। और ये हो गया, अब बस ये यहाँ पे कप लटकाने वाला है, जस्ट अटैच होना बाकी है, ये अटैच करता हूँ। सो लेट्स गो। ये हुक्स भी लग गए और ये स्टैंड भी लग गया। मैं किचन में जब रखता हूँ उसके बाद फाइनल कैसे दिखता है वो बताता हूँ। लगा मुझे काफ़ी टाइम, बीच में ये वाला उल्टा लगा दिया था जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ हो गया था, तो वो सब रीसेट किया। लगा मुझे अराउंड हाफ एन आवर टू डू दिस देसी आइकिया। यहाँ पे सेटअप हो गया और अमेजोन में रिव्यूज़ में था कि ये हल्का फुल्का है, बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो मैं इसको हिला भी रहा हूँ, ओवन अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे ऐसे हुक्स भी हैं, दीज आर हुक्स फॉर कप्स। अभी कैसे दिखाऊँ, ये रहे कप्स, ये हमने तो यहीं पे रखे हुए, बट ये कप को आप
ऐसे यहाँ पे लटका सकते हो। सो यहाँ पे ऊपर हमने मसाले वगैरह रख दिए बिकॉज स्पेस था। अब ओवन और रोटी जी रहता तो इधर ऊपर रोटी जी रख सकते थे। बाकी ये बहुत पुराना ओवन है, काफ़ी साल हो गए हैं जब भी उस ज़माने के हिसाब से एडवांस था पूरा कन्वेक्शन ग्रिल विल के साथ। ओनिडा की अभी पता नहीं ओनिडा ओवन्स बनाता है कि नहीं बनाता है, कोई आइडिया नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये सेटअप करके अच्छे से तगड़ा सा स्टैंड बन गया। इसमें ये मेन ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ये जो था ना ये ओवन के दरवाजे को खुलने से रुका देता था, तो इसकी वजह से ये डालना पड़ा। एनी हो ये कप को वापस से यहाँ पे रख देता हूँ बिकॉज दैट इज़ द प्लेस। सो अभी ये छोटा सा क्यूट सा किचन जिसमें ये है माइक्रोवेव, ये है एयर फ्रायर, ये इसके नीचे छुपा हुआ है इंडक्शन चूल्हा, और ये है छोटू सा मिक्सर ये। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट किचन है। अब ये कपड़ा डाल के रखते ताकि ना ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो। इसके ऊपर भी एक कपड़ा होना चाहिए एयर फ्रायर के ऊपर, जो कहाँ गया पता नहीं, देख लेते। बाकी ऑफ कोर्स ये गैस का चूल्हा तो है ही पुराना वाला। सो नाउ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर किचन माइट बी अ राइस कुकर, और आजकल मैंने एक ब्लॉग में देखा एग बॉयलर कुछ होता है, आने वाले दिनों में शायद वो भी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऊपर लिखा हुआ है वैसे भी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ नया सोचता हूँ करने के लिए। ओके बाय, टाटा।